मिडिल क्लास आदमी कौन होता है? मिडिल क्लास आदमी वो होता है जो सारी जिंदगी अपनी जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे दबा होता है। मिडिल क्लास आदमी वो होता है जो समाज के बीच में पिसता रहता है। मिडिल क्लास आदमी वो होता है जो सारी जिंदगी ट्रिप के लिए प्लान तो करता है लेकिन अपनी सारी सेविंग्स अपनी फैमिली के लिए लगा देता है। मिडिल क्लास आदमी वो होता है जो सारी जिंदगी सपने तो देखता है कि खुद का अपना घर बनाए, अच्छी नौकरी करे, लेकिन अपने सारे सपनों को अपने जिम्मेदारियों के कारण नहीं पूरा कर पाता और फिर अपने सपनों के बोझ को अपने बच्चों पे डाल देता है। वेल हेलो, मेरा नाम है जॉनी राजकुमार और जरा हट के जरा बच के फिल्म एक ऐसी मिडिल क्लास फैमिली की स्टोरी को दिखाता है जिसका सपना होता है कि खुद का अपना घर बनाए और इसी कोशिश में वो किस हद तक चले जाते हैं, यही है फिल्म की स्टोरी। फिल्म में एक कपल होता है जिसकी नई नई शादी हुई होती है और वो जॉइंट फैमिली में रहते हैं जहाँ उनको कोई प्राइवेसी नहीं मिलता है, तो इस वजह से वो कपल एक खुद का अपना घर लेने की सोचते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आता है जिसकी वजह से कपल को समझ में आता है कि खुद का घर लेना इतना आसान नहीं है और इसी वजह से वो कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसकी वजह से उनके फैमिली में कंफ्यूजन और ड्रामा पैदा होता है। देखो, जरा हट के जरा बच के एक एवरेज मूवी है जिसमें हल्के फुल्के जोक्स हैं जो सटल तरीके से दिखाए गए हैं एंड उसी बीच में एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली के प्रॉब्लम्स को दिखाने की कोशिश की गई है। फिल्म का फर्स्ट हाफ कॉमेडी से भरा हुआ है जिसमें कपल के डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स और इश्यूज को बड़े सटल कॉमेडी के साथ दिखाया जाता है। कहीं कहीं पर कॉमेडी अच्छी लगती है और जोक्स भी लैंड हो जाते हैं, पर कहीं कहीं पर ऐसा लगता है कि यार ये जोक्स तो पहले भी सुन चुके हैं। लेकिन सेकंड हाफ में फिल्म का टोन शिफ्ट होकर इमोशंस पे ज्यादा फोकस करता है कि खुद का अपना घर लेना क्या होता है, फैमिली का असली मीनिंग क्या होता है, एक मिडिल क्लास आदमी को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है रोजमर्रा की लाइफ में। फिल्म में तीन गाने हैं जो स्टोरी को आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं, जो गाने तो आपको बोर तो बिल्कुल नहीं करेंगे। मूवी बहुत हद तक रिलेटेबल चीजों को दिखाती है कि जैसे एक कपल जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं उनको प्राइवेसी के लिए ओयो रूम में जाना पड़ता है, जब कोई कपल लव मैरिज करता है तो उनको फैमिली वालों से क्या क्या सुनना पड़ता है। एक मिडिल क्लास आदमी के लिए खुद का अपना घर बनाना एक बहुत बड़ा सपना होता है और उसी सपने को पूरा करने के लिए वो अपनी सारी जमा पूंजी लगा देता है ताकि उसकी औलादे और उसका परिवार हमेशा खुश रह सके, और यही चीज ये मूवी अच्छे से रिप्रेजेंट करती है और यही वजह है कि बहुत से लोगों को ये मूवी रिलेटेबल लग सकती है। फिल्म लगभग 2 घंटे की है और फिल्म के फर्स्ट हाफ में कहीं कहीं पर एक्ट्रेस की ओवर एक्टिंग लग सकती है, लेकिन देखो फिल्म का जॉनरा ही ऐसा है कि फिल्म में बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस क्रिएट किए जाते हैं जहाँ पे ओवर एक्टिंग एंड लाउड कॉमेडी की जरूरत है। फिल्म में बहुत से ऐसे चीजें हैं जो आपको स्टार्टिंग में अननेसेसरी लगेगा लेकिन बाद में उसका इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगा। जैसे फिल्म में दरोगा का वो वाला सीन आपको स्टार्टिंग में फालतू लग सकता है लेकिन एंडिंग में वही दरोगा को दिखाने के पीछे का रीजन इम्पैक्टफुल लगेगा। फिल्म का टारगेटेड ऑडियंस बहुत ही अलग है। ये फिल्म न्यूली वेडेड कपल्स, जिनका अभी अभी बेबी हुआ है वो कपल्स, जिन्होंने लव मैरिज किया है वो कपल्स, या फिर वो कपल्स जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, ये फिल्म सिर्फ उन्हीं ऑडियंस को ही टारगेट करती है। तो यार देखो, ये फिल्म एंटरटेनिंग तो है लेकिन वही साथ साथ में कुछ नया नहीं दिखाती है। फिल्म को मैच्योर लोग या फिर वो लोग जो कपल्स हैं सिर्फ वही एंजॉय कर पाएंगे, बाकी लोग मे बी इससे ज्यादा रिलेट ना कर पाए। तो मेरी तरफ से इस फिल्म को 3 stars out of 5 stars। अगर आप फ्री हो तो इस फिल्म को देखने जा सकते हो, वरना इसका जियो सिनेमास पे आने का भी वेट कर सकते हो। विद दैट बीइंग सेड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ज्यादा ही पसंद आया हो तो शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हमारे चैनल के पेजेस को जाकर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टिल देन कीप वॉचिंग। शनि बाबा से बचें।